नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के चोर दरगाह इलाके में और हम यहां की जनता से करने आए हैं, उनकी बात ये जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके वोट को प्रभावित करने वाले हैं और वे क्या फैसला सुनाने वाले हैं, किसे वे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं और किसे क्षेत्र का विधायक। हम आपको बताते चले कि ये जो चोर दरगाह चौक है, यहाँ पे तमाम जाति धर्म के लोग हैं, लिहाजा ये बहुत ही सही जगह है लोगों से ये जानने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे क्या फैसला सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जो विकास के मुद्दा लेकर आएगा उसी के लिए हम लोग वोट देंगे। लेके आएगा क्या, लेकर तो सब आया हुआ है। हाँ, तो उसी को दिया जाएगा। कौन है वो, अभी देखते और कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके बाद ही पता चलेगा। कैंडिडेट सब हो गया तो खत्म हो गया नॉमिनेशन, अभी मालूम नहीं हमको है, इसलिए क्लियर मालूम नहीं है इसलिए। सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है, मतलब सबसे अच्छा कैंडिडेट जैसे विजय सम्राट हुआ, सोनी मुखिया हुआ, ये सब काम लायक है। सोनी मुखिया के बारे में आप बोल रहे हैं, 10 साल से हैं, कैसा काम किया 10 सालों में? जैसे मेरे एरिया में काम नहीं किया, सिर्फ एक नाला का काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। आप डर के क्यों बोल रहे हैं जी? डर के नहीं बोल रहे हैं, डर के क्या बोल रहे हैं। ये बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? जी विजय सम्राट प्रभावित कर रहे हैं सीधे? नहीं, करेंगे जी। क्यों विजय सम्राट क्यों? क्यों, वो अच्छा आदमी है, वो बच्चा से भी बातचीत करता है। सोनी मुखिया जीत के गया 15 साल से, कोई हुल्की नहीं मारने के लिए आया गया थी अपने क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, काम भी नहीं किया है। नीतीश जी कहते हैं कि लालू यादव के पार्टी के कैंडिडेट को जिताओगे तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज कैसे आएगा, जंगल राज कोई जरूरी नहीं, जंगल राज कैसे आ जाएगा? कहते हैं कहने से उनको क्या होगा, उनको बना दिया मुख्यमंत्री का अकाउंट का काम कर दिया नीतीश जी। पलटू राम अच्छी पलट गया, लालू जी के साथ में थे जी, और उसके बाद में पलट गया। इस बार कौन जी? विजय सम्राट के। हाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तेजस्वी यादव कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री तो बताइए। बेरोजगारी मुद्दा यहाँ है, समझिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी, और युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार बना दिए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर दूसरी सरकार आई, खास करके RJD की सरकार आई, तो बिहार में फिर से जंगल राज होगा। अभी भी जंगल राज है, अभी प्रशासनों की राज है, समझ गए ना, अभी प्रशासन की चलता है, जनता के कुछ नहीं चल रहा है। ये बताइए शेखपुरा से कौन? विजय सम्राट जी। आप बताइए कुछ सोच रहे हैं, बहुत गुस्से में देख रहा है, मारिएगा नहीं ना। नहीं सर, विजय सम्राट जी निकल रहे हैं जी। कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे वोट करने जा रहे हैं, मतलब मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे, क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? हुआ सब बच्चा आते है, जाते हैं, सबसे अथी रहता है सर, इसलिए उन्हीं का मतलब हम लोग सपोर्ट जी। 10 सालों से रणधीर जी हैं, कैसा काम किया क्षेत्र में? रणधीर जी तो मेरे शहीद हुए हैं, समझ गए ना, शहीद हुए हैं, उसको देखे आए रणधीर कुमार, देश के लिए शहीद हुआ, देखे बना हुआ है, उसको देखे आए रणधीर कुमार सोनी, और क्या विकास करेंगे, विकास करेंगे। आप बताइए भाई साहब, कौन सा मुद्दा वोट को प्रभावित करेगा आपका? क्षेत्र का विकास जो करेगा उसका ही होगा वोट, और जनता का आप सुन रहे हैं, जनता हर चीज को बदलना चाह रही है, नीतीश सरकार से परेशान है, क्षेत्र में कोई काम किया नहीं सही से, वहाँ से वो बैठ के बोल देते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ होता है नहीं, सिर्फ कागजी पे होता है, ये हो रहा वो हो रहा। नीतीश जी कह रहे हैं कि कोरोना काल में 9,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, जनता को हर सुख सुविधाएं दिए,
बिहार एक ऐसा राज्य है जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। क्यों है? ये गलत बात है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, कौन बताए आपको? नीतीश जी खाली पूरे इंडिया में घूम रहे हैं और हम लोग कहाँ रहते हैं? साल में 3 शहर घूमते हम। हाँ, नीतीश जी के जैसे नहीं है, पटना में सिर्फ रहते हैं। हर जगह क्वारंटाइन हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं सुविधा हुआ, और जगह हर जगह इससे अभी अच्छा है। बोल रहे हैं कि हम लुंगी दिए, गंजी दिए, साड़ी दिए, वो सिर्फ अपने पर है। यहाँ पे जो बोले थे कि मुखिया बांटेंगे तौलिया, साबुन, ये वो, मास्क, यहाँ पे गांव के आदमी है, पूछ लीजिए किसी को मिला है? अगर एक को दिया होगा तो हम 1000 को देंगे, हम अपने पॉकेट से, पूछिए। और किसी को मिला क्या? नहीं। अरे 10 आदमी पर 1 साबुन। ये बताइए कि तेजस्वी यादव बता रहे ना, हम दिए तेजस्वी यादव। देखिए कौन है, पूछिए पहले उनसे। वो मुखिया का भाई है, उसको मिला है तो हमको क्या फायदा? और वैसे ही है आपका नीतीश जी। लोकल राजनीति बताइए, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी जी आएंगे इस बार, हाँ पक्का। शेखपुरा से कौन? शेखपुरा से उनका जो कैंडिडेट है विजय सम्राट जी आएंगे। हाँ आप बताओ जी। यूथ है एकदम, दबंग लग रहा है। बोलिए किसको ला रहे हैं यहाँ से? विजय सम्राट जी। क्यों विजय सम्राट को? क्यों? हर एक समाज से बिलोंग करते हैं, सब समाज से कोई भी समस्या होता है उसका निराकरण करते हैं, कोई भी समाज हो। हाँ, इसलिए हम लोग विजय सम्राट को लाना है। आप किस समाज से? हम तो यादव समाज से हैं जी। विजय सम्राट? नहीं इसीलिए नहीं, यहाँ पूछ लिया, हर एक समाज का आदमी है, सब समाज से इन्वॉल्व है। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव जी। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं चुनाव में, कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? जो विजय सम्राट है वो बच्चा बच्चा से मिलता है, सब कुछ, ये बहुत बढ़िया आदमी, इसलिए इनको चाह रहे हैं सब जनता लोग, चाह रहे हैं। सोनी जी के लिए उपाय नहीं है? सोनी जी क्या कर रहे हैं, 10 साल हुआ है, 10 साल में क्या किए हैं? कुछ भी तो नहीं किए हैं। नीतीश जी भी तो क्या किए हैं, दारू कर रहे हैं, दारू बंद हो गया, बंद हो गया, खुलेआम बिक रहा है। दारू बंद कहाँ हुआ? दारू खुलेआम बिक रहा है, जगह बिक रहा है। बोल रहा था मुझे नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा? हाँ देखिए, बोल रहे हैं खुलम खुली बिक रहा है कि हाँ वहाँ वहाँ सिर में दर्द हो रहा है, नहीं तो आप बोल रहे हैं पिला देंगे, पूरा खुलेआम बिक रहा है दारू। सही बात है, सही है तो न बोल रहे हैं। हाँ जी, दारू मिलता है? दारू तो मिलता है, गुप्त रूप में मिलता है। गुप्त रूप में? हाँ, गुप्त रूप में मिलता। पीने वाला को घरे चल जाता है, मतलब होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी है? हाँ ठीक, होम डिलीवरी। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? विजय सम्राट के साथ में। और वो एक हैं इमाम साहब, इमाम गजाली साहब, उसको नहीं, अभी विजय सम्राट को हमको लाना है। उसको क्यों नहीं? इसलिए कि हम लोग इलाका में अभी इसका परेशान ज़्यादा भारी है, इसलिए इसको लाना है। उसको वोट दे कर बर्बाद का एक लेकर ना अपना वोट। क्या करते हैं? क्या करते? केरल में तो अच्छा खासा थे, यहाँ बिहार में आए तो देखिए काफ़ी खेती कर रहे हैं। तो यहाँ कोई सी सुविधा नहीं, काम काज को रोजगारी नहीं है, लास्ट में खेती करने पड़े। बिहारी था, सबको मना करने वाला क्या है? नीतीश कुमार सबको मना किया है। सबसे पहले कहाँ से सब आज मिलाया, लेकिन बिहार में क्यों मना किया? यहाँ तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठाया, सब जितना परदेशी आदमी सबको नीचे लाया, सबको घर पहुँचाया। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तो कुल को दे दिया ढक्के, जहाँ रहो वहीं रहो, भूखे मरो, जैसे मरना है मरो। जखने नीतीश कुमार नहीं थे, जखने वोट लेने के लिए नीतीश कुमार आ गए, और जखने से पब्लिक मर रहा था बाहर में, जखने नहीं आए थे, क्या हो रहा है? हम तो कलकत्ता से फ्री में आए, वो भी कांग्रेस राहुल गांधी मेरा भेजने वाले हैं। फ्री में आए, 1 रुपया भी नहीं लगा मेरा, पूरा एक अपना वो अपना खर्चा करके भेजे, बस से आए, वो भी आए, वो भी 50 आदमी आए राहुल गांधी के बदौलत। ये का चीज करेगा नीतीश? केरल में क्या करते थे? केरल में चप्पल बनाते हैं। आप बताइए, सोचे हैं चुनाव को लेकर? सोचे हैं। कौन है? विजय सम्राट। हर जगह जाते हैं तो विजय सम्राट में ऐसा क्या है?
विजय सम्राट है, अच्छे आदमी है, सबसे मिलते जुलते हैं, दुख सुख का साथी है, आपका है। कोई चुंबक उम्बक तो नहीं है ना? चुंबक का रहेगा, मतलब बढ़िया आदमी है सब, हर एक बार नए भी विधायक है तो पर भी आते जाते मिलते जुलते रहते हैं, आई विधायक है तो पर भी नहीं आते जाते हैं मिलते जुलते हैं। रंजीत कुमार शहीद हुआ उसमें भी देखने तक नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ। विधायक बन जाएंगे तो और अच्छा काम करेंगे? हाँ अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत पब्लिक खुश है इनसे। कौन शेखपुरा? कौन विजय सम्राट? क्यों? वो भले आदमी हैं, आनजान करते हैं, देखते हैं आगे पीछे। भले आदमी को अपना वोट दे देंगे? दे देंगे, दे देंगे। क्यों? भले आदमी कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा काम करे, जरूरी है, हमें उन पे विश्वास है। हमारे गांव में मंदिर बनाए तो अपने तरफ से मान लीजिए कि जितना भी सामान लेगा हम देंगे धर्म के नाम पे। जी हाँ। कौन सा गांव है आपका? अकबरपुर। अकबरपुर जी हाँ। नाम से तो लगता है कि मुस्लिमों का गांव। जी नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम का गांव नहीं। आप बताइए, छुप रहे हैं आप, किसको ला रहे हैं आप? जो विकास करेंगे वही आएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कौन विकास करेंगे? अब तो यहाँ के जनता लोग तो देख ही रहे हैं। ये जो विधायक हैं अभी 10 सालों से कैसा काम किए, विकास किए हैं? विकास तो सोनी मुखिया इस बार विकास नहीं किए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। हम यहाँ रहते नहीं हैं, बासलीगंज विधानसभा से। तो आप किसको ला रहे हैं? अभी तक नहीं किया गया कुछ। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? हम लोग का सोचेंगे, अब जवान लोग है वो लोग ना अब आगे बढ़ेगा, हम लोग तो अब आज आखिरी में। अब कोई बात नहीं, लेकिन तो आया क्या माने सोचेंगे क्या वोट देना है, किसी में गिराना है वोट, किसी में गिरा देंगे तब क्या करना है। कोई पार्टी कोई नेता अच्छा लग रहा? पार्टी तो कोई हम लोग को कुछ दे नहीं रहा, कोई पार्टी जीत रहा है तो कोई दे रहा हम लोग को कुछ। हाँ तो क्या बता मैं, हम लोग कह रहे कि मुस्लिम लोग RJD को वोट देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात हम लोग को ऐसा कोई बात नहीं है। एक इमाम गजाली साहब हैं, इमाम गजाली साहब को जानते हैं? इमाम साहब कुछ मिलेगा उसको, इसलिए वो माने अपना आगे बढ़ेगा कहीं। हम लोग को कहाँ बढ़ेंगे आगे? इमाम साहब को देंगे कि नहीं वोट? इमाम साहब अपना जगह पर, हम लोग अपना जगह पर। विजय सम्राट बहुत अच्छे इंसान है, जो भी है वो सब सामने आवेगा ना भाई। सब जितना इंसान है सब सही है, कोई गलत नहीं है। तो आपका वोट किसके साथ है? अब जिसको विचार होगा सबको, गांव वाला को उसी का देंगे। तो ये बताइए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? ये हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते नहीं। आप बताइए बाबा। हम लोग अभी कैसे जानेंगे, उसको देखो नहीं किया है, क्या किया नहीं किया तो कैसे अच्छा समझेंगे। विजय सम्राट को नहीं देखे हैं? देखा तो अभी तो काम है, क्या किया नहीं किया तो हम अच्छा है और खराब कैसे बोले, खराब भी नहीं कह सकते अच्छा भी नहीं कहेंगे। खड़ा हो रहा है, जब होगा काम करेगा तो अच्छा हो जाएगा, और ऐसे क्या अच्छा विचार हम लोग क्या करेंगे अभी, अभी अच्छा किसको कहेंगे। गजाली साहब अच्छे हैं? गजाली साहब भी अच्छे नहीं हैं? सब अच्छा इंसान है, इंसान कोई खराब थोड़ी होता है। इंसान सही बात है कि इंसान खराब नहीं होता, सभी अच्छा इंसान होता है। तो सुना है आपने चोर दरगाह की जनता की आवाज़, यहाँ भी माहौल बिल्कुल एक तरफा है, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके मुताबिक विजय सम्राट के आगे कोई और नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, चोर दरगाह, शेखपुरा।